हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज है 14th of July और आज सुबह हो चुकी है। और आज की सुबह हुई है बहुत लेट, क्योंकि मैं बहुत लेट सोया था कल और आज लेट से उठा हूँ। और आज है 14th of July, तो आज एक बहुत ही स्पेशल डे है मेरे लाइफ का, क्योंकि आज है किसी एक स्पेशल पर्सन का बर्थडे। वो है मेरी मम्मी जी, तो आज उनका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे मम्मी जी, और आप सब भी उनको विश कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, मैं जाना चाहता था मिलने उनसे, लेकिन जा नहीं पा रहा, क्योंकि पूरा दिन स्कूल में ही चला जाता है, बहुत शाम हो जाती है और फिर सुबह से वापस आना पड़ेगा, तो मिलने तो नहीं जा पा रहा हूँ। और मम्मी को भी बुलाया था मैं कि आप यहाँ जाइए, लेकिन घर में दादाजी भी हैं तो उनको भी देखना पड़ता है, तो इसलिए वो नहीं आ पा रही हैं अभी। तो बोली कुछ टाइम बाद, जैसे या तो मैं जाऊँ संडे वगैरह, या फिर उन लोग को जब भी टाइम मिलेगा, थोड़ा सा फ्री होंगे तो मिलने आएंगे मेरे से। तो अभी टाइम हो चुका है जिम का, और आज बहुत ही लेट हो चुका हूँ मैं, लगभग 8 बजने वाले हैं, क्योंकि कल लेट सोया था। और लेट सोया था इसीलिए सोया था कि मैं सुबह जल्दी, मतलब नींद कम्प्लीट ना हो, जैसे कि कल आपको बताया था कल सुबह मैं कि जितना जल्दी सोता और नींद लगता है, इसलिए मैं थोड़ा लेट ही सोया था। फिर भी आज मेरा 5 बजे नींद खुल गया था, और नींद खुल गया उसके बाद 5 बजे से क्या करूँगा मैं, तो वापस से सोने का ट्राई किया, तो सो तो गया लेकिन उठ नहीं पाया टाइम पर, 7:30 मेरी नींद खुली। तो अभी चलते हैं जिम, बहुत लेट हो चुके हैं, फिर आपसे आगे बात करते हैं। तो भाई, पहुँच गया हूँ जिम, और आज का दिन थोड़ा आलस भरा लग रहा है, पता नहीं क्यों। हो सकता है एक बार उठ जाओ, एक बार नींद खुल जाए आपकी, उसके अगर फिर से सोते हैं जब आप, तो आपको ज़्यादा ही मतलब थोड़ा आलस लगता है उठने में वापस से। तो वैसे ही कुछ हो रहा है लगता है आज मेरे साथ, अब से जब भी नींद खुल जाएगा तो उसी टाइम में उठ जाया करूँगा, भले कुछ और वर्क कर लूँगा, कुछ रीड कर लूँगा बुक वगैरह कुछ, लेकिन सोऊँगा तो नहीं। तो चलते हैं, पहुँच गया जिम, आज है लेग्स डे, करते हैं लेग्स डे। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it be me. तो दोस्तों, हो गया मेरा जिम कंप्लीट आज का, आज था लेग डे। और मैं एक कोर्ट में पिटीशन डालूंगा कि लेग डे का नाम बदलकर यमराज रख दिया जाए, क्योंकि लेग डे के बाद वाले दिन मौत ही आ जाती है, जो दर्द होता है पैर में, मतलब लेग्स में इतना पेन रहेगा कि आदमी चल नहीं पाता है। वैसे रेगुलर लेग्स मारो तो उतना पेन नहीं रहता, लेकिन वैसे बहुत टाइम बाद वापस से स्टार्ट किया जिम, तो जैसे बाकी मसल से वर्कआउट करो तो वो थोड़ा बहुत पेन करता है, और लेग्स में थोड़ा वर्कआउट करो तो बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो ऐसा कुछ है, हो गया आज का वर्कआउट भी, आज का भी वर्कआउट अच्छा रहा। और आज का मौसम भी बहुत सुहाना है, लेकिन हमको तो स्कूल ही जाना है, तो चलते हैं अभी रूम रेडी होकर चलेंगे स्कूल। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ रेडी स्कूल जाने के लिए, और अभी आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो मैं जा रहा हूँ वापस से बस स्टैंड, वहाँ पर साहू के पास जो साहू जलेबी है, मतलब उसका नाम ही साहू जलेबी है, वहाँ पर खाएंगे पोहा जलेबी। और फिर वहाँ पर भैया से भी मुलाकात होगी, भैया भी पहुँचने वाले हैं, उसके बाद वो जाएंगे अपने स्कूल और मैं जाऊँगा अपने स्कूल। तो चलते हैं बस स्टैंड। तो मैं पहुँच गया था बस स्टैंड, और भैया जी पहुँच चुके हैं अपनी बुलेट में, जो ब्लैक कलर की है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और आज हम लोग कहाँ जाने वाले भैया? प्लान करते हैं शाम पे कुछ, आज शाम का कुछ प्लान करते हैं, घूमने जाते हैं। अभी फिलहाल तो आ गए यहाँ पर पोहा जलेबी खाने, तो एंजॉय करते हैं पहले। आ चुके हमारे पोहा एंड जलेबी, भैया भी पोहा एंजॉय करते हुए, मैं भी अपना पोहा खाता हूँ और जल्दी जल्दी खाते हैं, क्योंकि उनके स्कूल का टाइम हो गया, मेरे बस का। हमारा ब्रेकफास्ट, और भैया जा रहे हैं स्कूल, बाय भैया, मैं भी निकलता हूँ स्कूल के लिए, बस आती होगी, मिलते हैं शाम को। तो गाइस, अभी हो चुके हैं शाम, और मैं वापस आ गया था स्कूल से अपने घर, और अभी टाइम हो गया है थोड़ा सा घूमने जाने का। तो भैया आ चुके हैं मुझे लेने अपने बुलेट में। तो कहाँ जा रहे हैं भैया अभी अपन? आज हम लोग जा रहे हैं, उस दिन हम लोग दिखाए थे कि बालोद का एक तरफ का कोना दिखाया हुआ था डेवलप डैम का, अब अपन नेक्स्ट साइड जाएंगे जो कलेक्ट्रेट के पास पड़ता है। और ये भी सुनने पे आए हैं कि वहाँ पे कुछ अभी डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि जो कि कलेक्ट्रेट से हो रहा है, और हमारे कलेक्टर सर उसको बनवा रहे हैं,
वहाँ पे जाके देख के आते हैं कि एक्चुअली क्या क्या बन रहा है। छोटा सा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टाइप बना रहे हैं। हाँ, और नहीं इको फ्रेंडली पार्क बना रहे हैं, इको फ्रेंडली पार्क बना रहे हैं जहाँ पर उन्होंने कॉटेज के साथ साथ में वहाँ पे मोटर बोट ये सब सारी जो फैसिलिटीज है वो देने वाले हैं। आज हम लोग जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या बना होगा और आपको भी दिखाते हैं कि आप कभी बालोद आएँ, अगर वो कम्प्लीट हो जाए तो आप एक्सप्लोर कर पाएँ और वहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स टाइप का कुछ स्टार्ट होने वाला है। तो चलते हैं आज वहाँ और आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं, जो ये सेकंड एंड है जो हमारा बांध है, मतलब ये जो बालोद का मेन एंड है मान के चलो, क्योंकि यहीं से लगा हुआ पूरा बालोद का जो जिला कलेक्ट्रेट का जो काम होता है वो यहीं जस्ट बगल में ही है उनके पूरे ऑफिसर्स। तो बालोद में अगर कुछ भी आपको ऑफिशियल काम कराना होता है तो इस जिला कलेक्ट्रेट में ही आना पड़ेगा। अब वो चाहे आपको कोई भी रजिस्ट्री का काम हो या फिर बाकी डिफरेंट थिंग्स जो कलेक्ट्रेट में होते हैं वो सब के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। पर अब यहाँ जब आते हैं तो आपका काम तो होगा ही होगा, साथ में दिल खुश हो जाएगा क्योंकि अब इस जगह को इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि मतलब एक बहुत सुंदर रिजॉर्ट और बहुत ही अच्छा लोकेशन जो आपको देखते ही मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा। जैसे गंगरेल डैम के आसपास को जैसे डेवलप किया गया है, वहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट्स वगैरह बनाकर मतलब वहाँ पर एक अच्छा खासा माहौल बना दिया गया है, वैसे ही यहाँ पर को भी डेवलप करने की बात चल रही है। जैसे इधर पीछे देख सकते हैं, इधर आपको ऐसे कॉटेजेस बने मिलेंगे लाइन से, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर लगभग 30 कॉटेजेस बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर मतलब ये सब पूरी तरह डेवलप हो जाएगा तो वो क्या होता है रुकने वाले जो भी फैसिलिटीज है पूरी प्रोवाइड की जाएंगी आपको। तो यहाँ पर आप आकर अभी मतलब एक साल तो लगेगा इसको डेवलप होते हुए, उसके बाद ही आप यहाँ पर आकर इंजॉय कर पाएंगे। ऊपर से आप अच्छे से व्यू देख सकते हैं यहाँ पर का, ऐसे कॉटेजेस बन रहे हैं यहाँ पर, मतलब एक एक इंडिविजुअल हाउसेस जैसे, जहाँ पर आप जैसे स्टे करना चाहें या कुछ भी एक दो दिन के लिए आप वैकेशन के लिए आना चाहें तो आ सकते हैं। और मैं इधर कुछ बोर्ड्स भी दिख रहे हैं आपको, तो मैं पास जाकर आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है वो बालोद का डैम का सेकंड एंड, यहाँ पर मतलब मेन सिटी का जो लास्ट छोर बोल सकते हैं आप, है ना, तो ये है जो डैम का भी आखिरी छोर है। और ये पूरा तांदुला डैम है, यहाँ पर दो सेक्शन जैसे हैं तांदुला डैम के, तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको अगर दिख रहा हो बीच में, यहाँ पर से बीच में छोटी सी नहर जुड़ी हुई है जहाँ पर से दो पार्ट है जो तांदुला डैम के वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया गया है, अभी तो टेम्प्ररी है ये, तो यहाँ ऊपर चलते हैं और वहाँ से दिखाते हैं आपको नज़ारा। हमारे भैया जी को फॉलो करते हुए हमें, अभी पानी का लेवल थोड़ा कम है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है यहाँ पानी पर चलने के लिए। और यहाँ पर आपको कुछ बोट्स भी दिख रही होंगी जो आ गई हैं, अभी बोटिंग स्टार्ट नहीं हुई हैं लेकिन आ चुकी हैं। और ये हमारे भैया बोट राइडिंग के लिए जाते हुए, चला लो कुछ ऐसा है बोट सीट्स यहाँ पर, मतलब लगभग 12-15 सीट से एक बोट में है, ऐसी और भी बोट्स हैं वहाँ पर है, एक बोट वहाँ पर है, तो यहाँ पर बोटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी अच्छी खासी। इन कॉटेजेस से बहुत ही बेहतरीन व्यू मिलने वाला है जब भी ये डेवलप हो जाएगा, पूरा बन जाएगा, बनकर रेडी हो जाएगा। तो गाइस हम लोग यहाँ पर अपने इवनिंग एंजॉय कर रहे थे इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। और यहाँ पर का जो मतलब अभी का जो सिचुएशन है इतना बेहतरीन लग रहा है, शाम है और रेनी डेज का, और बहुत ही शानदार इवनिंग है, हल्के बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो उसको वो जो एक्सपीरियंस है बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। और अभी तो पानी खैर थोड़ा कम है, जैसे जैसे बारिश अपने पीक में जाता है अगस्त सितंबर तक, उसके बाद यहाँ पर का जो बारिश का जो लेवल है, पानी का लेवल है जो डैम का, वो और आगे तक चले जाता है और पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का व्यू है सब तरफ पानी ही पानी लगता है। जैसे हम लोग कोस्टल एरियाज में नहीं रहते, हम लोग के लिए यही कोस्टल एरिया बन जाता है उस टाइम के लिए, जैसे मुंबई या फिर जो बीचेस रहते हैं गोवा के बीचेस, तो हम लोग यहीं पर आकर उस चीज़ को इन्जॉय करते हैं। जैसे अभी इससे पहले हम लोग गंगरेल में जाते थे, वहाँ पर अच्छा खासा डेवलप किया गया है गंगरेल को, तो वैसे ही अब यहाँ पर भी अच्छे से डेवलप किया जा रहा है। रही बात की जितना सुनने में आया है अभी तक,
बोला जा रहा है कि जितने भी जो बोट्स आए हुए हैं तो यहाँ पे जो वाटर एडवेंचर जो ये चालू होने वाला है वो करीब करीब 1 से 1.5 महीने में चालू हो जाएगा। तो आप लोग सब एक्साइटेड, हम लोग भी एक्साइटेड हैं, आप लोग भी शायद एक्साइटेड रहोगे कि तांदुला डैम में ये सब ये फिर से चिकबर चालू होना, क्योंकि पहले जब चालू हुआ था तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं था। इस बार वैसे लगता है कि ये पूरा सक्सेसफुल ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ अरेंजमेंट हम लोग को दिख रहे हैं उस अरेंजमेंट के साथ ऐसा लगता है कि हाँ, तो लगता है कि इस बार तो मतलब मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। तो बस वेट करते हैं टिल अगस्त, मुझे लगता है कि यहाँ बोला जा रहा है कि चालू हो जाएगा। कॉटेजेस तो अभी चालू नहीं होंगे, पर जो कॉटेजेस को चालू होने तभी कम से कम 1 साल का टाइम है, क्योंकि अभी तो 3 ही 4 बने हैं और यहाँ पर लगभग 30 कॉटेजेस बनने का ऐसा कुछ है एम अपना। जो तो आप जो है अगस्त के एंड तक में मोटर बोट जो यहाँ पे आए हुए हैं उसका एडवेंचर आप अगस्त के एंड तक में उठा सकते हैं। आपको मेरे ब्लॉग पे डेली बने रहना होगा, इसके लिए मैं आपको अपडेट देते रहूँगा, और अगर जब भी चालू होगा तो हम लोग भी जरूर आएंगे ट्राई करने के लिए। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये सब जो है डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लगी हुई है लगातार प्रयास में, बहुत जगह डेवलपमेंट कर रही है, तो ये भी उनमें से एक काउंट होता है। और अभी हो चुकी है थोड़ी सी शाम, तो चलते हैं अभी वापस से, यहाँ पर अंधेरा हो रहा है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं कॉटेज के एरिया में और सोच रहे हैं कि विजिट अंदर का कर लें, देखते हैं अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ कैसा रहेगा। ऐसा तो लग रहा है एक सिंगल रूम ही रहेगा अंदर में, और वॉशरूम वगैरह बस रहेगा, उसके अलावा और क्या क्या है और कैसा व्यू रहेगा ऊपर से आपको दिखाते हैं। यहाँ से ऐसा व्यू है, अभी लाइट्स वगैरह तो नहीं लगे हैं, थोड़ी शाम हो चुकी है। यहाँ पर कुछ इस टाइप का आपको वॉशरूम मिल जाएगा, और अंदर में इंटीरियर्स है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, जो आपको वुडन वर्क मिल रहा है, एक वॉल आपको वाइट में मिलेगी। यहाँ पर विंडोज़ है और यहाँ पर आपको वुडन का वर्क मिल रहा है पूरा, देख सकते हैं। और यहाँ पर एक आपको रहेगा बालकनी जैसे रहेगा, ओपन बालकनी टाइप का है यहाँ पर। और यहाँ से जो व्यू मिलेगा, मतलब अभी तो पानी थोड़ा सा कम है, रेनी डेज में आपको यहाँ तक का बारिश, मतलब बारिश जब पीक पे होती है तो यहाँ तक आपको लहरें यहाँ पर पानी के आते दिख जाएंगी। और यहाँ पर से जो व्यू होने वाला है, जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं, इतना बेहतरीन नज़ारा है, उस टाइम का व्यू आप इमेजिन ही कर सकते हैं। और अगर ये जब भी चालू हो जाएगा तो एक ना एक बार हम लोग यहाँ पर ज़रूर आएंगे और आपका पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो भैया यहाँ पर आपको ऊपर आकर कैसा लग रहा है, यहाँ से जो व्यू है, ये अंदर कॉटेजेस हैं, और भैया अपना व्यू शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो कॉटेजेस बने हुए हैं वो करीब करीब 4 से 5 फीट ऊपर बने हैं, मतलब आपको ये टेंशन नहीं है कि अगर बारिश का पानी अगर आ रहा है या पानी ऊपर तक आ रहा है, डैम का पानी यहाँ आ जाए या फिर कुछ कीड़े मकोड़े जैसी चीज़ें यहाँ पे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। 5 फीट ऊपर बनाया हुआ है। जब हम लोग एंटर किए तो देखे कि इतना बेहतरीन अंदर इन्होंने इंटीरियर दिया हुआ है। अभी थोड़ा लाइट कम था, उतना अच्छा दिखा नहीं पाया, कभी और मौका मिलेगा तो जरूर आपको दिखाएंगे। तो हम लोग सोचे थे यहाँ पर परमिशन नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग पहले परमिशन ले लिए थोड़ा सा कि अंदर जाकर एक बार देखना चाहते हैं, उसके बाद आपको दिखाएं जो भी दिखाएं। अंदर बहुत ही बेहतरीन वुडन वर्क हुआ है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया, जितना भी आप देख सकते हैं। और जो अंदर में एक वॉशरूम दिया गया है, और ये साइड में ही एक वो बन रहा है, रेस्टोरेंट टाइप का बन रहा है, जहाँ से आपको फूड वगैरह जो भी चाहिए रहेगा तुरंत ऑर्डर करेंगे, आपको अवेलेबल हो जाएगा। मतलब चिल करने के लिए अगर आपको आना है, अपने दिनचर्या से हट के अगर यहाँ एंजॉय करें, एक वैकेशन मूड में अगर आप आना चाहें, तो उसके लिए एक बेहतरीन प्लेस डेवलप कर रहा है बालोद, जो भी बालोद के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। तो देखते हैं आप एक बार कब ये डेवलप हो जाता है पूरे तरीके से, उसके बाद आपको एक बार आकर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे, अगर आप कभी आना चाहें तो। तो अभी हो चुका है अंधेरा और चलते हैं अभी वापस से अपने सिटी में, और देखते हैं आगे अगर आप प्लान बनते हैं आपको अपडेट देते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं रूम, और आज हम लोग प्लान किए हैं कि हम लोग घर पर बनाएंगे अपना डिनर। तो आज डिनर में क्या बना रहे भैया? आज भाई काम करते हैं हम लोग जो है मटर पनीर की सब्जी ले आते हैं और यहाँ जीरा राइस बना लेते हैं। तो कहाँ से पैक करा के लाना रहेगा, फूडी से या एक और क्या? प्राइम टाइम चलते हैं, प्राइम टाइम चलते हैं। तो प्राइम टाइम से हम लोग ले आते हैं आज मटर पनीर की सब्जी, और घर में बनाएंगे हम लोग जीरा राइस, और हम लोग करेंगे अपना डिनर एंजॉय। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। So till then, have a great day. Bye-bye.